वेलकम बैक गाइज, हियर आई एम हिमंत एंड यू आर वॉचिंग HC गेमिंग। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वैलोरेंट मोबाइल, यानी कि वैलोरेंट अभी तो PC पे है लेकिन काफ़ी बंदे चाहते हैं कि ये मोबाइल पर भी आए क्योंकि सबके पास PC नहीं होता है इसलिए। और इंडिया में जो मोबाइल गेमिंग है वो बहुत ज़्यादा चलती है, तो यहाँ पर वैसे गेम का साइज PC में तो 6.5 GB के आसपास है, ज़्यादा बड़ा गेम नहीं है और सिर्फ मल्टीप्लेयर है, कोई बैटल रॉयल नहीं है, मतलब 4-5 मैप्स दिए हुए हैं। और कमाल का इसे कैरेक्टर्स की जो एबिलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने गेम खेला अपने PC में, मुझे बहुत रियली बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आया है। इसमें अनरेटेड में भी आपको सारे के सारे रियल प्लेयर मिलते हैं, कोई भी बॉट नहीं मिलता है, तो रैंक्ड में तो भाई बात ही अलग है। और यहाँ पर आप बात कर सकते हो जैसे कि PUBG या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी में करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा फीचर्स है। तो मतलब गेम की जितनी भी तारीफ करें ना उतनी कम है, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और इंडिया में वैलोरेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, जिनके पास भी PC है वो एटलीस्ट वैलोरेंट के बारे में ज़रूर से जानते होंगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि एक तो मल्टीप्लेयर है और इंडिया में मतलब इस टाइप के गेम ज़्यादा चलते हैं बजाय स्टोरी मोड के, तो और मतलब हार्ड है गेम और काफ़ी अच्छा है। तो गेम इतना अच्छा है तो सभी चाहते हैं कि भाई इसे ट्राई करें, लेकिन PC ना होने के कारण भाई रह जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वैलोरेंट अब मोबाइल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोस्ट किया गया है, वैलोरेंट मोबाइल जो है वो अभी भी डेवलपमेंट में है मोबाइल के लिए, बट अभी तक कंसोल के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि कब तक आया भाई, लेकिन हमें तो मोबाइल पर ही चाहिए, बस उसी पर दे दो। सो गाइज, मैं एक चीज़ ज़रूर से कहना चाहूँगा कि भाई पहले से ये मत कहना कि वो गेम अच्छा नहीं है, क्योंकि यार गेम रियली बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम है। तो बिना जाने या बिना खेले मत कहना कि यार गेम अच्छा नहीं है, और ये हो सकता है कि वो आपके टेस्ट का ना हो, मतलब आपको पसंद ना हो, बट गेम बहुत अच्छा है। मुझे भी MP और बैटल रॉयल टाइप के गेम्स इतने पसंद नहीं आते हैं, बट फिर भी मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा है। मुझे मोस्टली स्टोरी मोड ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि इसमें न्यू एक्शन, न्यू विज़न ये सब देखने को मिलता है। हो सकता है अगर कभी मेरा वाईफाई वगैरह लग गया तो इस गेम को मैं ज़रूर दिखाऊँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर इस वैलोरेंट लीक्स वाले बंदे ने कहा है कि भैया ये इसने बता दिया कि मोबाइल और कंसोल की क्या चल रही है बातें, तो उसने कहा कि भैया अब मुझे DM करना बंद करो क्योंकि लोग लिटरली परेशान कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है ये गेम इंडिया में, तो जिस वजह से इसकी डिमांड चल रही है मोबाइल वगैरह पर। एंड एक और चीज़ बता दें कि भैया अभी तो जस्ट डेवलपमेंट में, अपनी इनिशियल स्टेज में, तो कोई भी ये नहीं पता है। इसने क्लियर, ये ठीक है बंदा यार, इसने कोई भी मतलब ये नहीं कहा कि अभी आएगा, कब आएगा, अगली साल, पगली साल, कुछ नहीं, सीधे भाई अभी कुछ भी पता नहीं है कि ये कब तक मोबाइल में आएगा। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये न्यूज़ जानकर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। हम फिर मिलेंगे इस तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।